मतलब तुमने कोई फैसला किया? अभी ना कुछ भी एक्चुअली ये सब रहने देते हैं। आई होप कि तुमने एक्शन लेने के लिए मना कर दिया होगा। सावी तुमने इलेक्शन लड़ने के लिए मना कर दिया? हाँ सावी 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 तुमने इलेक्शन लड़ने के लिए मना कर दिया सच में? सावी सच बताओ ना तो तुम इस दुनिया की बेस्ट वाइफ हो और मैं इस दुनिया का सबसे लकीस्ट हस्बैंड हूँ। थोड़ा सा राइट ला राइट। हाँ ये हाथ हाथ करने से मैं ठीक कर दूँ। अब करने से घुमाने से क्या? सावी 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 तुम मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं तुम सॉरी सॉरी सर मतलब तुम इस दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ और मैं इस दुनिया का सबसे लकीस्ट हस्बैंड। सॉरी मैं इस दुनिया का सबसे लकीस्ट रोलिंग आयन एक्शन। तुम इस दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ और मैं सबसे ज्यादा लकीस्ट हस्बैंड। बोले जा रहा माइमिंग में जाएगा म्यूजिकल ट्रैक। सभी तुम्हें पता है कि आज मैं ऑफिस से जल्दी घर क्यों आया? क्योंकि मैं चाहता था कि यू से मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। क्या तुम अपने क्योंकि मैं बस्ती जाकर आई हूँ, यानी रजाक भाई जहाँ रहते हैं वहाँ जाकर आई हूँ, और उन्होंने मेरे इलेक्शन के लिए पोस्टर्स छाप दिए थे मुझसे बिना पूछे, और उसकी वजह से काफ़ी मेरे और इनके बीच में प्रॉब्लम्स हो गई। तो उसकी वजह से मैं गई उनसे बात करने, और वहाँ पे जो माहौल था, एक उनके पास कमाने का ज़रिया भी ख़त्म हो गया है, बहुत सारी दिक्कतें, तो हर चीज़ को देखते हुए बहुत बुरा लग रहा था। और यहाँ कैसा लग रहा था कि हम कितने ऐशो आराम में जी रहे हैं, हमारे पास हर चीज़ है, खाने पीने को सब कुछ है, और उन लोगों के पास नहीं है। और ये सब के पीछे ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है कि जो है वो सब सोनम ने की है, तो वो आपको इसके बारे में बताएं। सोनम का तो एक ही मकसद था कि दालमिया हाउस में अगर कोई एक परफेक्ट बहू रहेगी और जिसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगा तो वो सोनम है। तो अब जब घर में सावी आ गई है तो वो चीज़ सोनम से बर्दाश्त नहीं हो रही है, और कहीं ना कहीं चाहती है कि नित्यम और सावी के बीच में दरार आ जाए। तो उसका माइंड चलने लगता है कि मैं क्या ऐसा करूँ जिससे इन दोनों के बीच में दरार आ जाए, या ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाए, या सावी इस घर से चली जाए। तो हाँ गिरधर आया सर।